दर्शकों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता द रवि गुप्ता शो में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक जो है समझ लीजिए कि है शिक्षा योग के बारे में। जी हाँ दर्शकों, मैंने देखा है काफी माता पिता जो है अपने बच्चों का भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे शुरू में पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, या तो फिर बाद में पढ़ाई खराब हो जाता है, या फिर क्या होता है कि उनका मान अस्थिर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो गार्जियन होते हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, अचानक ऐसा कैसे हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बचपन से ही समझ लीजिए कि पढ़ाई में कमजोर होते हैं और माता पिता चाहते हैं कि मैं इसे अच्छा क्वालिफिकेशन दूं, अच्छा ज्ञान दूं, इसे बड़ा आदमी बनाऊं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। इसीलिए मैं आज आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के आया हूं, क्यों नहीं पूर्ण हो पाता है शिक्षा, यानी क्या कारण है शिक्षा योग में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बहुत ज्यादा कारण है दर्शकों। सबसे पहला बात कि शिक्षा का कुंडली में पंचम हाउस होता है, यानी कुंडली का फिफ्थ हाउस जो होता है यह शिक्षा का योग होता है, यानी कुंडली का फिफ्थ हाउस जो होता है यह शिक्षा का घर होता है, यानी पांचवा घर। और पांचवा घर का कारक पर्टिकुलर कभी भी एक ग्रह नहीं होता है दर्शकों। ऐसे पांचवा घर का कारक ग्रह सूर्य को माना जाता है, फिर भी सिर्फ सूर्य ही जिम्मेवार नहीं होता है शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करने के लिए। जी हाँ, होता क्या है कि लग्नेश जो होता है यह जीवन का कारक होता है, यानी आपका मन बुद्धि विचार वाणी सारा कुछ लग्नेश पे निर्भर होता है। लग्नेश मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक कोई भी हो सकता है। दूसरा जो है मन, आप क्या सोचते हैं और आप कुछ करने के बाद, जैसे आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसको मन में किस तरीके से रखते हैं, इसका कारक चंद्रमा होता है, यानी मन का कारक चंद्रमा होता है। और बुद्धि, चूंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब कोई इंटरव्यू देने के लिए होती है तो उस समय उनका बुद्धि प्रबलता रूप से काम नहीं करता है और इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं। इसका कारक बुद्ध होता है, यानी बुद्धि और वाणी का कारक बुद्ध होता है। यानी सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए कि आप उस शिक्षा को पूर्ण किस रूप से करते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण होता है आपका सूर्य बल आत्मा, आप क्या सोचते हैं, आपका कॉन्फिडेंट कितना पावरफुल है, ये सब का कारक सूर्य होता है। इंसान के अंदर जो पावर होता है, इंसान के अंदर जो ताकत होता है, इसके कारक जो होते हैं समझ लीजिए कि सूर्य होते हैं। और एक ग्रह और भी है मंगल, यानी अगर ये कमजोर हो जाए तब तो आपकी सरकारी नौकरी में अवरोध उत्पन्न होना ही होना है। यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अगर मंगल कमजोर है तो आप बहुत ज्ञानी होने के बाद भी जो है कोई बड़ा सरकारी नौकरी अर्जित नहीं कर पाएंगे। यानी इतना इतना ग्रह अगर कुंडली में डिस्टर्ब हो तब समझ लीजिए शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना ही होना है। यानी कुंडली में एकमात्र शिक्षा योग ही ऐसा है कि जिसके लिए इतने इतने ग्रह जो है समझ लीजिए कि प्रबल होने चाहिए। होता क्या है कि पंचम हाउस में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा अगर नीच का बैठ गया है, अगर शुक्र नीच का बैठ गया है या विराजमान हो जाए, तो क्या होता है शिक्षा में बाधा उत्पन्न होता है। पंचम हाउस पे कोई भी पापी ग्रह जैसे राहु केतु शनि अगर इसका दृष्टि पड़ता हो और उस भाव का वो कारक नहीं है, यानी लग्नेश अधिपति का मित्र नहीं है, फिर भी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगा। अगर पंचमेश का समझ लीजिए कि वक्री है पंचमेश, फिर भी शिक्षा ग्रहण नहीं होगा। पंचमेश सिक्स ट्वेल्थ और एट हाउस में भी अगर बैठ जाए तो भी आपका शिक्षा पूरा नहीं होगा। यानी इतने सारा कारण जो होते हैं शिक्षा योग के ग्रहों के कारण होता है, प्लस बाकी जो मैंने बताया आपको बुध सूर्य मंगल और चंद्रमा, इतना ग्रह और मंगल, इतना ग्रह अगर कुंडली में नीच के भी हो जाए तो भी आपको शिक्षा प्राप्त करने में निश्चित तौर पे बाधा उत्पन्न होगी। जी हाँ दर्शकों, ये तो मैंने आपको बता दिया पंचमेश की स्थिति। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने चर्चा किया था लग्नेश जो जीवन का कारक होता है, यानी हर ग्रह अपने अपने स्थान का कारक होते हैं, लग्नेश जो होता है वो जीवन का कारक होता है। आपका व्यवहार, आपका रूप रंग, आपकी बुद्धि मता का कारक होता है। यानी लग्नेश पे कोई ग्रह अगर नीच का बैठ जाता है, लग्नेश पे दो पापी ग्रह अगर साथ में बैठ जाते हैं, या लग्नेश पे जो है कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, या लग्न पे जो है कोई खराब योग का निर्माण हो जाता है, जैसे कि मद्रुम योग हो जाए, जैसे कि मान के चलिए ग्रहण योग हो जाए, चंडाल योग हो जाए, विष योग हो जाए, तो आप कितना भी प्रयास कर लेंगे मेंटल रूप से आप जो है हमेशा दुखी रहेंगे। अब सवाल उठता है कि जब इतना इतना ग्रह शिक्षा
योग में बाधा उत्पन्न करता है तो फिर करना क्या चाहिए, ये तो सवाल निश्चित तौर पे उठता है। सबसे पहले मैं लग्नेश के अनुसार आपको रत्न का उपाय बता देता हूँ, यानी अगर आपका मेष लगन है तो आप पुखराज और मूंगा पहन लीजिए शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए, वृष लगन है तो पन्ना और ओपल पहन लीजिए, मिथुन लगन है तो आप पन्ना के साथ एक ब्लू वज्रमणि पहन लीजिए, अगर आपका कर्क लगन है तो मोती के साथ एक पुखराज अच्छी क्वालिटी का धारण कर लीजिए, सिंह लगन है तो माणिक के साथ आप एक पुखराज धारण कर लीजिए, अगर आपका कन्या लगन है तो पन्ना के साथ एक ब्लू वज्रमणि धारण कर लीजिए, तुला लगन है तो एक ओपल पन्ना और एक ब्लू वज्रमणि तीनों आप धारण कर लीजिए, वृश्चिक लगन है तो एक मोती के साथ पुखराज धारण कर लीजिए। कई बार देखा गया है कि वृश्चिक लगन वाले लोगों को मूंगा उसके लग्नेश के कारक होते हैं, लेकिन होता क्या है कि मैंने देखा है कि वृश्चिक लगन वाले को मूंगा धारण करवाने से थोड़ा सा क्रोध में प्रबलता आता है, ये आप अपने स्वेच्छा के अनुसार धारण कर सकते हैं, हालांकि कारक इसका है। धनु लगन है तो पुखराज के साथ एक अच्छी क्वालिटी का माणिक धारण कर लीजिए, और अगर मकर लगन है तो एक ब्लू वज्रमणि के साथ अच्छी क्वालिटी का पन्ना साथ में कोपल धारण कीजिए, कुंभ लगन में भी जो है आप क्या कर सकते हैं कि पन्ना और एक कोपल धारण करें, अमीन लगन है तो आप एक मानी पुखराज और मूंगा ये तीनों आप धारण कर लीजिए। ये तो मैंने लग्नेश के अनुसार आपको उपाय बताया। हाँ, कई बार ऐसा भी होता क्या है कि शिक्षा ग्रहण करने में 5-6 ग्रह जो है शिक्षा अवरोध में कारक होते हैं, अगर रत्न धारण कर भी लिया जाए तो बाकी कुछ ग्रहों की शांति के लिए आप क्या करें, इसके लिए मैं आपको उपाय बतला देता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करिए मैं बतलाता हूं, गणेश रुद्राक्ष आप धारण करिए, रेयर है पर प्राप्त हो जाएगा, गणेश रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, अगर आप मेरे से चाहेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जो कुरियर के द्वारा आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद फिर जो है घर में जो रोटियां पकती हैं उसके आटे में थोड़ा शक्कर मिला करके गोल गोल पेड़ा का आकार दे करके तावे में उसको सेक करके गाय को बुधवार के दिन उस बच्चे से या उस बच्ची से गाय को खिलवाइए जिसको शिक्षा अवरोध हो रहा है प्राप्त करने में। इसके बाद फिर जो है बुधवार के दिन जो है गणेश जी को दुर्वा घास चढ़वाइए, इसके बाद अगर बच्चा छोटा है तो आप उसके हाथ से टच करवा करके या उसका नाम और गोत्र लेकर के गणेश जी को अपने बच्चे के नाम पर चढ़ाइए। अनाथ आश्रम में शिक्षा ग्रहण प्राप्त करने की जो सामग्री होती है जैसे पुस्तक पेन कलम या जो भी चीजें होते हैं ये सभी दान करवाया कीजिए, इसमें भी शिक्षा बहुत ज्यादा प्रबल होता है क्योंकि ये दान करने से बुध अच्छा होता है और जब बुध अच्छा होगा तो बुद्धि तो निश्चित तौर पर आपकी बढ़ेगी। इसके बाद फिर जो है एक चीज और याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसपे कोई ध्यान नहीं देते हैं, घर में अगर कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो सबसे पहला उसको उत्तर या पूरब की ओर मुख करके बैठाना चाहिए और दूसरा हमेशा उसको दक्षिण और पूरब का जो कोना होता है इसे अग्नि कोण बोलते हैं, इस कोण में कभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए, वो क्रोधित हो जाएंगे, उसका जो है समझ लीजिए कि क्रोध अत्यधिक हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है स्टडी रूम का जो होता है कमरा, इसको स्टडी रूम का जो कमरा होता है इसके जो कॉटन होते हैं यानी पर्दा जो होते हैं इसको हल्का ग्रीन कलर का रखना चाहिए, इससे क्या होता है कि बुध की प्रबलता बढ़ती है घर पे और शिक्षा योग बहुत ज्यादा प्रबल होता है। केसर, उसके बाद क्या करिए, केसर हल्दी और चंदन तीनों का मिला करके जो है मिश्रण प्रत्येक दिन तिलक रूप में आप इसे लगाएं या बच्चों को लगाएं, इससे क्या होगा कि निश्चित तौर पर शिक्षा योग प्रबल होता जाएगा। यानी दर्शकों आज मैंने जो भी आपको जानकारी दी है बहुत गुड दिव्य ग्रंथों से मैं प्राप्त करके मैंने आपको प्रोवाइड किया है और मैं चाहता हूं कि आप इस सभी उपाय को करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। मेरा यही सोच है कि सामने वाला जो है हमेशा जो है उसका समझ लीजिए कि जीवन जो है अच्छा हो, उसके जीवन में किसी प्रकार का भी कोई कष्ट ना हो, मेरा हमेशा जो है यही प्रयास होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मुझसे डायरेक्ट संपर्क करना तो आप सबसे पहले मेरे मोबाइल नंबर 9430331256 और 9308028285 पे मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या है तो। बाकी आप हमारे YouTube चैनल को द रवि गुप्ता शो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो और इसके बाद फिर जो है आप हर अपने जीवन के परेशानी को दूर करते रहे। आज के लिए फिलहाल मैं हर जीवन के परेशानी को आप दूर करते रहे। आप चाहे तो मेरे फेसबुक पे भी मुझे लाइक कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता के नाम से हमारा पेज है, और इसके अलावा जो है आप समझ लीजिए कि मुझे किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या है तो मेल भी कर सकते हैं ravigupta.james@gmail.com पर। आज मैं आप लोगों के लिए इजाजत लेता हूँ, बहुत जल्द मैं आप लोगों के पास बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। फिलहाल दर्शकों नमस्कार।